News 18, India. अध्याय हल्द्वानी के जो आयुक्त है दीपक, बहुत सही बातें कह रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल है. अगर वहां पर पेपर्स ही नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके से वहां पर कब्जा किया गया है, अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिखाई दे रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, जिस तरह से प्रशासन ने पहले से ही ये तय कर दिया था कि जो अब्दुल मलिक का जो बगीचा था, उस बगीचे की लीज काफी पुरानी थी, आज नहीं बल्कि 100 साल पुरानी लीज थी जो खत्म हो जाती है. और उस लीज को खत्म करने के बाद सरकारी जमीन पर जिस तरह से अब्दुल मलिक अपने गुर्गों की वजह से लगातार प्लॉटिंग करके बेच रहा था और अवैध कब्जे की जमीन को हमेशा से वो प्लॉटिंग कर रहा था और उस प्लॉटिंग का फायदा उठा रहा था अब्दुल मलिक, सारा पैसा उसके पास जा रहा था. अब अब्दुल मलिक की जो अवैध कब्जे वाली जमीन थी उसको खाली कराने के लिए सरकार ने कोर्ट से ये पूरा ऑर्डर लिया था और उसी वजह से वहां पर जो अवैध निर्माण था जिसमें मस्जिद मदरसा था उसको ध्वस्त किया जा रहा था जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, और वो सब कानूनी रूप से किया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए जब अब्दुल मलिक का आपने वीडियो देखा न्यूज 18 इंडिया पर दिखाया हमने कि वो लगातार प्रशासनिक अफसरों के सामने खुद कह रहा है कि वो नहीं कुछ कर सकते, यानी उतनी दबंगई वो दिखा रहा है. और प्रशासन के सामने उस तरह की दबंगई का मतलब साफ था कि उसने पूरी प्लानिंग करी थी कि अगर कोई उसके पूरे प्लॉट को लेकर अगर ध्वस्तीकरण करते हैं तो वो उस अपने पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर हमला कर सकता है, और वही सब कुछ यहां पर होते रहा. और अब्दुल मलिक के लोगों ने मिलकर, उसने जिन लोगों को तैयार किया था कि पुलिस का विरोध कैसे करना है, उन्होंने उसी तरह से उसका विरोध किया, पथराव किया गया, महिला ब्रिगेड को आगे किया गया ताकि महिलाओं और बच्चों पर पुलिस हावी ना हो सके. उसके बाद उन्होंने एक एक करके पथराव और आगजनी शुरू कर दी थी, और उसी दौरान अब्दुल मलिक फरार हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने काफी बड़ा जो हमला है पुलिस पार्टी पर किया है, अब पुलिस उसको देर से देर गिरफ्तार करेगी, और इसीलिए वो हल्द्वानी छोड़कर अचानक भूमिगत हो गया. अब उसकी लोकेशन किस तरफ होगी ये देखना होगा, क्योंकि देर रात को 9 बजे के आसपास 8 फरवरी को कर्फ्यू घोषित किया गया था, उससे पहले अब्दुल मलिक की ओर से की गई थी. लेकिन सवाल तो यही है कि अब्दुल मलिक में आखिर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है कि वो कानून की धज्जियां उड़ाएगा और कोई इससे कुछ कर भी नहीं पाएगा. लेकिन इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो. जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा. हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं. कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती से निपटने का आदेश दिया है, साथ ही दावा किया कि इन दोषियों की जेब से ही इस नुकसान की भरपाई की जाएगी. लेकिन अब इस पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिख करके अब अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है. हल्द्वानी के बनकूलपुरा इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने की मांग की गई है और इसके जरिए हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था फिर से बहाल करने की कोशिश की जा सकेगी. और हल्द्वानी मामले में एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है, बनभूलपुरा से आ रही है, जहां पर बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर शहर के जो बाकी इलाके हैं वहां कर्फ्यू लगा हुआ था उसमें ढील दे दी गई है और इसके साथ ही शहर के दूसरे इलाकों में भी इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, जिससे कि जो आमजन है उनकी जिंदगी सुचारू रूप से चल सके. बनभूलपुरा रेलवे बाजार, कारखाना बाजार, गांधीनगर के आसपास के इलाके को छोड़कर शहर के दूसरे इलाकों में भी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है. हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया ही वो जरिया है जहां से अफवाहें उग्र होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, इसीलिए पुलिस खासकर नजर सोशल मीडिया पर बनाए हुए है. परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र को ही कर्फ्यू पास के तौर पर अब इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी बात प्रशासन ध्यान में रख रहा है. देर रात को भी कई लोगों के घरों में छापेमारी की गई. सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अब कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी यहां पर सामने आ रहे हैं और तार जो है
जो उत्तराखंड है उसके पार यूपी की तरफ जुड़ रहे हैं और यूपी पुलिस से भी संपर्क में यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस है और उत्तराखंड पुलिस ने यूपी के कई हिस्सों रामपुर, बरेली और उसके अलावा मुरादाबाद में डेरा डाला हुआ है कि वहाँ पर से कुछ, ये माना जा रहा है जो हम पहले से ही कह रहे थे पहले दिन से कि यहाँ पर बाहर के कुछ लोग आए थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद यहाँ से वो भाग गए थे और इसी वजह से अब यहाँ पर जो पुलिस है वो उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग यहाँ पर हो सकते थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि देर रात भी तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों के घरों में छापेमारी की गई थी, जो लोग कुछ लोग फरार हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आज भी जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू में हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में बनबुलपुरा को छोड़कर दूसरी जगह पर ढील दी गई है। आज दूसरी जगह पर इंटरनेट सेवा सुबह बहाल की गई है और बीच में भले ही बंद हुआ था लेकिन इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन बनबुलपुरा का ये जो पूरा इलाका आपको दिखा दूंगा ये सब सन्नाटे में अभी भी है क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर कोई ढील नहीं दी है। लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, घर के चप्पे चप्पे गलियों में पुलिस फोर्स है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कर्फ्यू में इन इलाकों में कोई ढील नहीं है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी है कुमाऊं कमिश्नर को और इसके लिए यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जल्द से जल्द उन असली चेहरों तक पहुँचना चाहते हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि अब्दुल मलिक जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसके बगीचे मलिक का बगीचा जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ था कब्जे वाला, उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ कर्फ्यू और उसके अलावा जो छापेमारी है वो देर रात चली है और जो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी अब तक 5 लोगों की अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने बोला है लेकिन आज कुछ और खुलासा होगा पुलिस की तरफ से। और हल्द्वानी में हुई घटना की बड़ी खबर से जुड़ी कुछ बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। 8 फरवरी को हिंसा के बाद फिलहाल हल्द्वानी में हालात अब सामान्य बने हुए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश तेजी से की जा रही है। 8 फरवरी को फैली हिंसा के बाद हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती भी दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ उनसे लगातार जारी है ताकि इस पूरी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। और हल्द्वानी में हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का जो ट्रेंड है उसे खत्म कर रहेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, अगर कुछ उपद्रवी हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी वहां पर हुई, शांति है, आगे भी रहनी चाहिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का जो ट्रेंड है ये खत्म भी होना चाहिए और कोर्ट के निर्देश पे जो कार्रवाई होती है उसके चलते जो कदम उठाने उठाएंगे। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया कि लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही है। हल्द्वानी हिंसा इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुरानी बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लॉ जिहाद के बाद लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रही है तो लोगों को इसमें दर्द हो रहा है।